नम्हौल में एक कार चालक और एचआरटीसी बस चालक के बीच किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। इस पूरे प्रकरण में बस में बैठे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला नम्हौल पुलिस चौकी में दर्ज हुआ है। नम्हौल में एक कार चालक और एचआरटीसी बस चालक के बीच किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। मामला मंगलवार रात शाम से 7 से 8 के बीच का बताया जा रहा है। पूरे प्रकरण में बस में बैठे यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला नम्हौल पुलिस चौकी के अंतर्गत दर्ज किया गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें कुछ लोग पुलिस के साथ बहसबाजी करते हुए भी दिख रहे हैं। वीडियो में पुलिस को धमकी देते इन लोगों की बात को साफ सुना भी जा सकता है। मामले की पुष्टि डीएसपी संजय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि थाना बरमाना में मामला दर्ज किया गया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। 29/10/2019 को रात करीब 12:30 बजे हमारे एसआई स्टाफ की टीम ने थाना बराड़ी के अंतर्गत सुजाल चौक है वहाँ शर्मा ढाबा के नज़दीक जो है वो नाका लगाया हुआ था। तो उसमें एक कुमारवी की तरफ से एक प्राइवेट बस राजधानी एक्सप्रेस जिसका रूट शिमला चंबा था उसको जो है वो चेकिंग के लिए रोका। तो बस के अंदर मौजूद एक युवक जो है वो पुलिस को देख के घबरा गया था। शक होने पर जब उसको चेक किया और जब सीट से खड़ा किया गया तो उसकी जो है वो सीट के ऊपर जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था एक पॉलीथीन का लिफाफा मिला। उसको चेक करने पर जो है वो उसमें करीब 3.13 ग्राम जो है वो हीरोइन मौजूद पाई गई। तो इस संदर्भ में थाना बराड़ी में धारा 21 एक्ट के अंतर्गत जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है और अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी जो है वो स्थानीय है, पुडाले का रहने वाला है और उम्र उसकी करीब जो है वो 20 वर्ष है, जिसे रिमांड के लिए जो है वो अदालत में आज पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड हासिल करके जो है वो इस धंधे में और कौन कौन से लिप्त हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा और उसको जो है वो फॉर इंटरोगेशन करके जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जो नेटवर्क है उस एरिया में जो पैदा हुआ है उसका पूरी तरह से सफाया हो जाए। इस वर्ष पुलिस ने एनडीपीएस के अंतर्गत जो बहुत ज़्यादा मामले पकड़े हैं जिसमें चिट्टा और दूसरे नशीले पदार्थ जैसे चरस आदि जो है वो बरामद किए हैं और हमारा अभियान जो है जिला पुलिस का आगे भी जारी रहेगा।